मेरा आज का वीडियो है कच्चे अमरूद और भुने हुए अमरूद को कैसे खाएं, और साथ ही उसके साथ में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी नमक की रेसिपी शेयर करूंगी। पुरानी से पुरानी खांसी, गले के खराश और साथ ही खाने को डाइजेस्ट करता है, तो अमरूद एक तरीके से दवा है। तो उसे आप सही तरीके से खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है सभी के लिए। तो यहाँ पर हमने अमरूद लिया है, अमरूद को अच्छी तरीके से धो लिया। धोने के बाद हम इस तरीके से काटेंगे। तो अमरूद काफ़ी लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसका जो बीज होता है तो वो सबको पसंद नहीं आता है। आप अमरूद के बीज खाना नहीं पसंद करते हैं तो बीज निकाल के अमरूद खाएं। तो यहाँ पे चलिए हम नमक बनाते हैं। आधा चम्मच सेंधा नमक लेंगे, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा। कच्चे अमरूद या भुने अमरूद को अगर आप इस तरीके से हेल्दी नमक के साथ खाते हैं तो इसका बेनिफिट दोगुना हो जाता है। तो जब भी आप अमरूद खाएं इस तरीके से नमक ज़रूर बना के खाएं। तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें यहाँ पे आप लाल मिर्ची डाल दें। तो यहाँ पे हम काश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, सिर्फ 2 पिंच। लाल मिर्च डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ऐड कर लें। बाकी हमारा स्वादिष्ट और हेल्दी सा नमक बन करके तैयार है। अगर आप अमरूद को इसके साथ खाते हैं ना तो आपको एक अच्छा स्वाद तो आएगा, साथ ही डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा नमक तैयार है बन करके, और यहाँ पर आप अमरूद को तोड़ें और इस तरीके से डीप करें या ऊपर से स्प्रिंकल कर लें और खाएं। बहुत ही यूनिक और ऑसम सी अमरूद के नमक की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यकीन मानिए इसे आप खाएंगे ना तो इससे आपका स्वाद और सेहत दोनों ही बरकरार रहेगी। तो आप हो सके तो प्रतिदिन एवरीडे, अभी अमरूद का समय है तो डेली एक अमरूद आप मॉर्निंग में खाएँ। आप इस तरीके से खाली पेट अमरूद खाते हैं तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे आप आँख की रोशनी को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है, साथ ही वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए यहाँ पे हमने एक कच्चे अमरूद को कैसे आप नमक के साथ खाएं वो हमने बताया। तो इधर हम बनाएंगे पके अमरूद के भी फायदे और उसे कैसे भूने। तो यहाँ पे हमने कच्चा अमरूद लिया है और उसे इस तरीके से रिंग पे रख दिया है, फिर गैस को स्लो कर दें। या तो आप चाकू या कोई भी टूथपिक से पकड़ के आप सेक सकते हैं अगर आपके पास रिंग नहीं है इस तरीके से स्टैंड। तो धीरे धीरे हमें चारों तरफ से सेक लेना है, बस पूरी तरीके से पक जाना चाहिए और बाहर का पूरा अमरूद का छिलका है अच्छी तरीके से अंदर से बाहर से पूरी तरीके से अमरूद पक जाना चाहिए। यकीन मानिए आपको लग रहा है कि ये अमरूद सिर्फ अमरूद ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा औषधियों का गुण का भंडार है। आज के नए ज़माने और नए दौर में लोग इसे भूल गए हैं, पर यह बहुत ही यूनिक और देसी तरीका है। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पेट में दर्द है, खांसी है, बहुत पुरानी खांसी और ठीक नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से प्रतिदिन एक अमरूद को इस तरीके से भून करके खाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। और ये देखिए हमारा अमरूद अच्छी तरीके से पक चुका है, बस इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। गर्म गर्म बिल्कुल भी नहीं खाना है। और ये देखिए ठंडा हो चुका है, फिर हम इस तरीके से 4 भाग करेंगे। इस तरीके से काटने के बाद उसके ऊपर नमक जो हमने बनाया ना अपना हेल्दी और टेस्टी सा नमक, उसके ऊपर हम डालेंगे अमरूद के ऊपर, और उसके बाद आप इसे खाएं। एक पूरा अमरूद खाना है। अगर आपको सर्दी खांसी या डाइजेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो पूरा एक अमरूद खाएं। बस अमरूद खाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान दें कि ओवर ईटिंग ना करें, 1 से 2 बस। अमरूद के बीज को भी चबा चबा के ना खाएं। और अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश ताज़ा कच्चा अमरूद खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। और ये जो पका हुआ अमरूद है ये आपकी डाइजेशन के लिए, और अगर आपको खांसी की समस्या कुछ ज़्यादा ही है तो आप इस तरीके से भून करके अमरूद खाएं, बाकी आप कच्चा अमरूद ही खाएं। और ध्यान दें कि कभी भी खाने के बाद अमरूद ना खाएं, खाने से पहले खाएं या मॉर्निंग में खाएं, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, और अगर आपको लगता है कि आज का मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।